रणजीत जोशी, मेंबर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। व 16 साल तक मैं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष पद पर आसीन रहा हूं और ऑस्टियोपेथी से ट्रीटमेंट के लिए मैं आज श्री सावरमल चैरिटेबल ट्रस्ट में आया हुआ हूं और अपना इलाज करा रहा हूं। वकालत करता हूं तो सिटिंग ज़्यादा होती है मेरे। मैं फ्रोजन शोल्डर से और कमर के दर्द से उससे परेशान रहा। मेरी वाइफ के भी जो है फ्रोजन शोल्डर का सीरियस पेन अमूमन रहता था और मेरे बड़े लड़के विश्वजीत जोशी जो एक्स काउंसलर नगर निगम रहे हैं उनके भी जो है वो गर्दन के अंदर लंबे समय से दर्द था। तो हम तीनों और साथ में मेरी भांजी है नंदा कल्ला, एक्स DIG श्री सुमनेश जी कल्ला साहब की वाइफ है वो भी मेरे साथ आती है, उसके भी जो है पैरों में और कमर में दर्द रहता है। तो करीब 7 दिन के अंदर हमें एक्सेलेंट रिजल्ट मिला, आश्चर्यजनक लेकिन सत्य, कि केवल अंगूठे के स्पर्श से, उंगलियों के स्पर्श के जादू से हमारा दर्द जो है वो ठीक हो गया और 90% 7 डेज के अंदर जो है हम रिलीफ जो है वो महसूस कर रहे हैं। और आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कि आपको ज़रूर ताजगी झलकती होगी। श्री गोवर्धनलाल जी पारा साहब का ये ऑस्टियोपैथ बहुत लंबे समय से यहाँ जोधपुर में 18 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड के अंदर चल रहा है और इनके दो लड़के गिरिराज जी पारासर और हेमंत जी पारासर और भांजे नंदू जी पारासर भी साथ के अंदर ये काम करते हैं। परिवार के सदस्यों के अलावा यहाँ 40 करीबन मेंबर्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, साफ़ सुथरी बिल्डिंग है, सफाई का विशेष ध्यान है। यहाँ का स्टाफ जो है वेल बिहेव्ड है और मुस्कुरा करके और आपका इलाज बड़ी आसानी से किया जाता है। और एक आश्चर्य की बात है, उनका हाथ वहीं जाता है जहाँ जनरली आपके दर्द होता है, ये मैंने महसूस किया है। यहाँ रुकने के लिए भी रूम्स बने हुए हैं और राजस्थान के अलावा मैंने यहाँ देखा है कि मुंबई के अभी एक्टर राजेश तेलंग साहब से भी मुलाकात हुई, यहाँ एक फिल्म डायरेक्टर उनसे भी मुलाकात हुई। आज हमारे यहाँ के फलोदी के जज साहब भी यहाँ आए थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो और पहले कैलाश जी जोशी साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ MP रहे, उन्होंने भी इलाज किया था, उनके साथ मेरा छोटा भाई बड़ा लड़का विश्वजीत जोशी भी यहाँ आया था। तो यहाँ आने पर मेरी मुलाकात गुजरात, बॉम्बे और डिफरेंट स्टेट्स के पेशेंट से हुई है, मेरी तरह से जो बीमारी से पीड़ित थे और मेरे से ज़्यादा सीरियस और सीवियर पेन उनकी बॉडी के अंदर था, वो लोगों ने ये बतलाया कि उनके एकदम ठीक है और भविष्य में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। जो रोते हुए लोग आते हैं, दर्द से कहराते हुए पेशेंट के आते हैं, आप यकीन मानिए वो मुस्करा कर यहाँ से जाते हैं। और मैं श्री गोवर्धन जी पारा साहब का, गिरिराज जी का, हेमंत जी का पूरा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार के सदस्यों का ट्रीटमेंट किया और हम बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहे हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि जिस भाई बहनों को इस तरह से बोन्स और मसल्स का पेन है, वो बिना एलोपैथी के, बिना ऑपरेशन के यहाँ आकर दर्द से निजात पा सकते हैं। जय हिंद।